बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि दाल पालक देसी तरीके में और बिल्कुल लो कैलोरीज़ के साथ कैसे बनाते हैं, और बिल्कुल लो कैलोरीज़ और कम मसाला रखते हुए भी हम अच्छा हेल्दी और मज़े का खाना कैसे बना सकते हैं। तो चलें जी, मैंने यहाँ पे एक प्याज और कुछ 6-7 जवे लहसुन के और कुछ अदरक लेके उसको पीस लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में मैंने इधर रखी हुई है हरी मिर्चें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें। उसके बाद मैंने रखे हैं इधर टमाटर, ठीक है, पालक और लीमू और चने की दाल जो कि मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दी थी। तो चलें जी, हम रेडी करते हैं अब इसको। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा गर्म किया है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें ये जी, हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन जो हमने रखे थे वो मिलाया है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे कि इसका रंग जो है वो बदल जाए, ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और मैंने इसमें तेल भी डाला है, तिल का। तीन से चार चम्मच मैंने इसमें खाने के तेल डाला होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जी, इसका रंग बदल रहा है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए रोज़ मसाले और रोज़ तेल वाले खाने नहीं खाए जा सकते, तो इसलिए मेरे इस चैनल पे आप लोग देखेंगे लो कैलोरी डाइट, देसी खाना भी हम बनाएंगे जिसमें हमारे अपने मसाला जात जलते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं। आप हफ्ते में एक दफ़ा अपनी चीट डाइट कर सकते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोल में रहते हुए। तो जी, हम इसको भून रहे हैं थोड़ा सा, आधे एक मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। और इसको जी इतना बस हमने रखना है कि इसका जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कि जी, अब हो गया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर और हरी मिर्चें। इसके साथ हम अब इसमें थोड़े से अपने मसाला यानी नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, कलौंजी वो डालेंगे। ओके जी, तो मैं जो इसमें मसाले डाल रही हूँ वो है नमक जो कि हसब जायका होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी इलायची का पाउडर, हल्दी, अजवाइन, ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और कलौंजी। कलौंजी क्योंकि सुन्नत है, हर बीमारी से शिफा है, तो इसलिए मैं अपने सब खानों में ऐड करती हूँ, स्पेशली जब मैं कोई जितना भी नहीं नमकीन खाना बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं लाजिम डालूँ, आप भी डालिएगा। ये जी, हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लें इसे। यह हमारा वो जो एक टिपिकल लव्स है, भून लें इसे अच्छे तरीके से ताकि इसका कच्चापन मिक्स हो जाए, चला जाए और मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूंगी ताकि जो टमाटर है वो गल जाए और उनका जो पानी है वो निकल जाए और वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, बस इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं, नॉर्मल आंच पे पकाना है इतना कि टमाटर गल जाए। ओके जी, अब ये हो गया है, ठीक है, ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। मिक्स करके, और जो हरी मिर्चें हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये बस एक फ़्लेवर के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 किस्म की हरी मिर्चें होती हैं, तो ये मैं वो लेकर आई हूँ जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसमें बस इसका समझें एक खुशबू है इसकी, बस
फील होता है कि अच्छा कुछ कुछ अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन इसमें ये तीखापन कम है। ओके जी, अब हमने दाल डाल दी है, अब हम इसको ढक देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये गल जाए, क्योंकि मैंने 4 से 5 घंटे पहले या 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी, तो अब ये इंशाल्लाह जल्दी गल जाएगी। अच्छा जी, जब जब हमारी दाल गल रही है तो मैंने क्या किया है कि पालक की डंडियां अलग कर ली हैं और मैं इसको काटने के बाद धोऊंगी, क्योंकि काटने के बाद धोऊंगी तो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे तो पानी पूरा निकल जाएगा बीच में से और सारी मट्टी रेत जो भी है वो, वैसे तो ये साफ है, इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको भिगोऊंगी 2 मिनट के लिए तो सारी मट्टी इसकी निकल जाएगी। बड़े बड़े पत्तों में कहीं कोई गुंजाइश रह जाती है कि आपकी कोई मट्टी या कुछ ऐसा कचरा रह जाए, इसीलिए मैं इसको काट कर भिगोऊंगी। ओके जी, इसको अब मैंने काट दिया है, ठीक है, अब मैं इसको भिगोऊंगी थोड़ी देर के लिए और इसको साथ ही चने की दाल में ऐड कर दूंगी ताकि जो इसका पानी निकलेगा उसके पानी में भी दाल गल जाएगी। चलिए जी, दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, क्योंकि पालक जो है उसमें अपना इतना पानी होता है, और नमक भी मैंने इसीलिए कम रखा है क्योंकि पालक का अपना नमक भी होता है, तो इसलिए तेज़ ना हो जाए। कम मसालों में भी हम अच्छा खाना बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने तेल बहुत ज़्यादा डालना है या मिर्ची नमक या मसाला जात बहुत ज़्यादा और सारे ही ऐड करने हैं तो खाना अच्छा बनेगा। आपका खाना इस तरीके से भी अच्छा बन सकता है, और ये नहीं कि जब आप बीमार हो रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है या आपको बीपी है तो ही आपने ये खाना खाना है, आप पहले से हेल्दी रहें, पहले से हेल्दी खाना खाएं। ओके जी, तो ये हमने पालक निकाल ली है, ठीक है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं किया, ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके जी, तो ये हो गया है मिक्स, अब हम इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये खुदी अपनी बहुत ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी कि खाना जल जाए, बस आप इसको दरमियानी आंच में रख के छोड़ दें तो, और वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें ताकि लगे नहीं। तो हमारी दाल ऑलमोस्ट गल चुकी है, बस अब हम इसको पालक रख के जो थोड़ी सी उसमें एक गुंजाइश है वो भी इसके पानी के साथ ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, हम इसको थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, सा बन रहा है ये सालन, और देखें इसका अपना ही पानी था और उसमें ज़्यादा जायका होता है, आप एडिशनल ना डालें, बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं होती है। हम थोड़ा सा और इसको पकाएंगे 10 मिनट। ओके जी, तो अब हम चेक करते हैं, कोई गल गया है, पानी खुश्क हो चुका है इसका, इट्स ऑल डन। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा पानी डालना है तो डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसका अपने पानी में ही अच्छा खासा हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि जो इसके अपना जो इसकी गज़ाइत है फिर वो आपको खुद महसूस होगी खाने में। अब हम इसको निकालते हैं। तो जी, हमने डिश आउट कर लिया है, अगर आपकी मर्ज़ी आपने इसमें अगर ऊपर से बटर डालना है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए, क्योंकि बटर अगर आपके पास देसी है और आपने खुद घर में भी बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो हेल्दी होता है, आप इसमें नींबू निचोड़ लें जायके के लिए, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा दाल पालक तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी खाना खाने से पहले जब आप शुरू करते हैं तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और सूरह फातिहा पढ़ लें, और उसको उसके ऊपर फूंक फूंक क्योंकि नहीं मारते आप, थोड़ा सा उसमें मतलब आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप देखें कि आपको कोई भी चीज़ हार्म नहीं करेगी, इवन वो आपके लिए बरकत ही बरकत हो जाएगी। इस चीज़ के साथ जी, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिया कज़ीन को, और इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे और हेल्दी खाने मिलते रहेंगे जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।